रानी पद्मावती कहाँ रहती थी इसको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों इस समय मैं है गौरवशाली इतिहास जो छुपा हुआ है चित्तौड़गढ़ का उस किले पे। देख सकते हैं कितना भव्य किला आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। कुछ ऊपर से इस तरह का अनोखा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से एक बारीकी मंदिरें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। दोस्तों चलिए हम पूरा वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो शुरू हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपना एंट्री होता है किले के अंदर। उसके बाद हम वहां पे जाके आपको रानी पद्मावती किस महल में रहती थी पूरा जानकारी देने वाले हैं, तथा उसके साथ आपको अलाउद्दीन खिलजी कहां से देखा था इसका संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। उस स्थल को भी दिखाएंगे तथा रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी कहां से देखा था इस सब का वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अपना सफर पैदल शुरू कर चुका हूं, उस किले के बहुत ही पास आ चुका हूं। जो पीछे का ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ये सामने का जो किला दिख रहा होगा, इसके बाजू में ही रानी पद्मावती का किला है, उसमें जो रहती थी रानी पद्मावती। वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों कुछ और टाइम लगेगा, कुछ इस तरह का अगल बगल का एक्स्ट्रा लोकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। रानी पद्मावती के जो पीछे का एरिया है कुछ इस तरह से तालाब से देखने के लिए मिलता है, जो कि समर के टाइम में पूरा पानी से भरा हुआ था। दोस्तों ये ही रानी पद्मावती का महल है, इसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया है, कुछ इस तरह से गार्डन के रूप में इसको तब्दील कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। चारों तरफ का आपको हम लोकेशन दिखाने का कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से अलग अलग एंगलों से इसे देखने के लिए मिलता है। दोस्तों उसके बाद हम रानी पद्मावती किस महल में रहती थी ये सारा आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यदि आपको पूरा संपूर्ण वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यही जो जगह आपको दिख रहा है वो छोटा सा महल, उसमें रानी पद्मावती रहती थी, और ये जो जगह है यहीं से अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखा था। तो दोस्तों इस तरह से कुछ वो जगह रहती है जहां पे रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी देखा था। यही वो जगह है जहां से अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखा था।